कुल्लू जिला के मुख्यालय के समीप पर लगघाटी के प्रवेश द्वार में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में संपूर्ण स्वच्छता अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। इससे नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि नगर परिषद के नुमाइंदे अभियान को लेकर सजग नहीं है। चूंकि औपचारिकता के लिए कुल्लू नगर परिषद द्वारा कई बार शहर में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया भी जाता है, लेकिन वो केवल फोटो सेशन तक ही सीमित रह जाता है। स्थानीय बुजुर्ग जय सिंह ने बताया कि सुबह जब वे सैर करने यहां से गुजरते हैं तो गंदी बदबू आती है, लोगों का चलना भी दूभर हो जाता है। गर्मी के मौसम ने भी अब दस्तक दे दी है, ऐसे में बीमारी फैलने का भी डर रहता है और आने जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चों व राहगीरों को परेशानी होती है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर पार्क का निर्माण करें, जिससे कि गंदगी भी खत्म होगी। यहाँ आते जाते सुबह सैर के लिए निकलते हैं लोग तो बड़ी गंदगी होती है, इससे मुश्क आती है, जिससे कि लोगों को चलना भी दुर्भर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रशासन से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर इसको बंद किया जाए, जो भी आता है सारा शहर का जो कूड़ा करकट या आकर के फेंकते हैं, तो इससे गंदगी फैलने का भी डर रहता है, जैसे कि आगे के लिए कोई बीमारी बुमारी भी पैदा हो सकती है इससे। तो इसलिए लोगों को, ज़्यादातर लोगों को परेशानी आती है, आते जाते बच्चे स्कूल के, कोई मुलाजिम वगैरह, कोई जैसे भी आते जाते कहीं टूरिस्ट वगैरह हो या कोई भी हो, तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। मैं अगर पार्क बनाई जाए नेचर पार्क जैसे, तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि लोग देखेंगे भी और गंद भी हट जाएगा यहाँ से। ऐसा ऐसा मेरा विचार है, गाँव है जिससे कि मतलब पूरा लग वैली जो इससे जुड़ा हुआ है।